student welcome to today's worksheet worksheet number 69 and our topic is based on the revision of polynomials on the basis of the worksheet number 11 12 13 and 14 so all these are practice question let us take the first question we have to select the correct answer in question number 1 to 4 first question is the zeros of the polynomial x square minus 8 are Zeros of the polynomial. So, how to find the zeros of the polynomial by using the factorization? So, this numbers looks like a square minus b square. If we convert it into the form a square minus b square, and the formula for a square minus b square is a minus b a plus b. Using this formula, if we convert it into this form, it will be easily factorized. We can easily convert it into factors. So, so writing the number eight, eight can be written as four into two. So, 4 is square of 2, and this 2 can be written as root 2 square. So, we can combine these two numbers, and it will be 2 root 2 square. Okay. Now, solving this number, 2 square is 4, and root 2 square is 2. So, 4 into 2 is 8. So, we can write this number as x square minus. टू रूट टू स्क्र नाउ यूजिंग द फॉर्मूला ए स्क्र माइनस बी स्क्वेयर वी कैन राइट इट एज एक्स माइनस टू रूट टू ब्रैकेट एक्स प्लस टू रूट टू ओके नाउ जीरोज निकालने के लिए मेकिंग दिस इक्वल टू जीरो सारे नंबर को इक्वल टू तो आप जीरो कर सकते हो इट मीन्स आइदर एक्स माइनस टू रूट टू इज इक्वल टू जीरो आइदर दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू जीरो और दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू जीरो एक्स प्लस टू रूट टू इज इक्वल टू ज़ीरो यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगा एक्स इक्वल टू टू रूट टू ये माइनस टू रूट टू इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस टू रूट टू अभी आंसर्स यहाँ ढूंढेंगे ये कहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी में सो दिस इज द करेक्ट आंसर सो यहाँ पे डिफिकल्टी पार्ट क्या था एट को टू रूट टू स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना अगर ये आप इजीली कैच कर पाते हो कि किस तरह से चेंज करना है देन इट इज़ वेरी ईजी नाउ मूविंग टू सेकेंड क्वेश्चन इफ एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस ए इंटू बी देन वैल्यू ऑफ ए प्लस बी ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है सो हम क्या करते हैं इन दोनों नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करते हैं अब इसका मतलब होता है एक्स को पहले इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है एक्स माइनस फाइव से एंड देन टू को एक्स माइनस फाइव से नाउ ये नंबर्स दोनों मल्टीप्लाई होकर आएंगे एक्स स्क्र देन माइनस फाइव एक्स प्लस टू एक्स माइनस टेन कैसे हुआ एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायेर एक्स इंटू फाइव इज माइनस फाइव एक्स टू इंटू एक्स इज टू एक्स टू इंटू माइनस फाइव इज माइनस टेन इन दोनों को ऐड कर दीजिए विल गेट एक्स स्क्र ये ए प्लस बी ए प्लस बी एक्स फॉर्म में करना है ना सो माइनस फाइव प्लस टू एक्स हम ऐसे लिख सकते हैं एंड दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन ओके टू इंटू फाइव माइनस टेन सो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया ए प्लस बी एक्स एंड प्लस ए इंटू बी सो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर दैट विल बी माइनस थ्री ठीक है इसको कंपेयर करो सेकेंड नंबर को इससे दिस इज इक्वल टू माइनस थ्री देन मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन इफ एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस थर्टी इक्वल टू दिसन एम दैल्यू ऑफ एम इज इक्वल टू अब इस यहाँ पर इस नंबर को हम सॉल्व करते हैं फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे x इंटू एक्स प्लस सिक्स आप ऐसे लिख दीजिए देन माइनस फाइव इंटू एक्स प्लस सिक्स इस ब्रैकेट को ओपन करा और इसके दोनों पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे इसके सेकेंड टर्म को दोनों पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे सो so, हमारी नेक्स्ट टर्म्स रहेंगी x की पावर टू प्लस सिक्स एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस थर्टी कैसे आए नंबर एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्सक्वायर एक्स को सिक्स से सिक्स एक्स देन फाइव को एक्स से माइनस फाइव एक्स फाइव को माइनस फाइव को सिक्स से माइनस थर्टी अब आप यहाँ पे इसे कंपेयर कीजिए ये एम एक्स है ये ये लास्ट टर्म आपकी माइनस थर्टी आ गई है एक्सक्वायर आ गया तो ये वाला जो नंबर है अब आप इसको सॉल्व कीजिए बिकॉज दीज आर टू सिमिलर टर्म्स दे कैन बी एडेड सो नेक्स्ट नंबर आपका रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थर्टी प्लस वन एक्स भी हम इसको लिख सकते हैं बिकॉज एक प्लस है एक माइनस है आप इसको माइनस करोगे सिंपल इसका रहेगा बिकॉज सिक्स एक्स पड़ा है इस पर पॉजिटिव साइन है तो प्लस वन एक्स आएगा अब कंपेयर करो एक्सक्वासक्र एम एक्स तो एम की वैल्यू क्या है यहाँ पर वन इससे कंपेयर करो और इसको सो so, एक्स की वैल्यू एक्स के साथ एम रहा है एक्स के साथ वन रहा है सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ओके क्वेश्चन नंबर फोर इफ द फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर आर ए एक्स प्लस बी एन एक्स प्लस बी फाइन द वैल्यूज ऑफ ए एन बी सो इस नंबर को हम फैक्टराइज़ करते हैं और इस फॉर्म में लिख के हम ए और बी की वैल्यूज़ को निकालते हैं फाइव एक्स को माइनस एटीन एक्स सो ये नंबर लेने में हमारा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या है फाइव और नाइन ओके फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म नंबर का मल्टीप्लीकेशन क्या हुआ फाइव नाइन सा फोर्टी फाइव सो हमें दो ऐसे ढूंढ रहे हैं जिसको मल्टीप्लाई करके फोर्टी फाइव आए और जिसको ऐड करके एटीन आए सो वो नंबर्स हमारे फ़िफ्टीन और थ्री हो सकते हैं फिफ्टीन और थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्टी फाइव आएगा फिफ्टीन और थ्री को ऐड करेंगे तो एटीन आएगा अब हमें माइनस एटीन चाहिए तो इसके लिए हम दोनों पर माइनस साइन दे देंगे तो ये दोनों माइनस माइनस ऐड होते माइनस एटीन आ जाएगा और माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस में होता है सो so, प्लस फोर्टी फाइव रहेगा ठीक है तो दोनों चीज़ें सेटिसफाई हो गई हम यहाँ पर करेंगे माइनस फाइव एक्स स्क्र माइनस फिफ्टीन एक्स माइनस थ्री एक्स तो हमने क्या किया मिडल टर्म को स्प्लिट किया इस तरीके से ठीक है अब हम इन दोनों में से कॉमन लगाएंगे दोनों के पास फाइव है दोनों के पास एक्स है या दोनों के पास थ्री नंबर है सो फर्स्ट टू ब्रैकेट से हम लोग फाइव को कॉमन निकालेंगे और एक्स हमारे पास रहेगा एक्स माइनस थ्री लास्ट टू ब्रैकेट से हम थ्री को कॉमन निकालते हैं एक्स माइनस थ्री अब आप देख रहे हो दोनों ब्रैकेट्स कॉमन निकाल के सेम आ रही है इसका मतलब क्वेश्चन ठीक जा रहा है अब एक ब्रैकेट ये रहेगी एक्स माइनस थ्री की और एक ब्रैकेट में फाइव एक्स माइनस थ्री रहेगा सो आपके पास नेक्स्ट नंबर्स रहेंगे फाइव एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस थ्री अब आप इसको कंपेयर करो ये जो नंबर है एक्स माइनस थ्री ये तुम्हारा एक्स प्लस बी जैसा है ठीक है तो अगर हम इसको एक्स प्लस बी से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या आ रही है कंपेयर करो बी की वैल्यू आ रही है माइनस थ्री और ये आपका नंबर रहेगा ए एक्स प्लस बी जैसा तो यहाँ पर लिखिए ए एक्स प्लस बी ठीक है तो बी की वैल्यू माइनस थ्री आ रही है हम लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू माइनस थ्री ओके और ए की वैल्यू क्या आ रही है फाइव ए इज इक्वल टू फाइव अब इसको सारे ऑप्शंस में ढूंढो कहाँ पर ऐसा ए इज़ इक्वल टू फाइव एंड बी इज इक्वल टू माइनस थ्री सो so, ये हमारे फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल रहा है सो फर्स्ट इस दी करेक्ट आंसर हमने क्या करा इस नंबर को फैक्टराइज़ किया लास्ट फैक्टर्स जब जो आ गए इसको कंपेयर किया इससे ए एक्स प्लस बी और एक्स प्लस बी से कंपेयर किया तो so, ए की वैल्यू फाइव आ रही है बी की वैल्यू माइनस थ्री यहाँ पर भी माइनस थ्री एंड ऑप्शन वन इस दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिए इवेलोवेट बाई यूजिंग आइडेंटिटी नाइन नाइन्टी सेवन क्यूब इसको हमें सॉल्व करना है सो नाइन नाइन्टी सेवन को हम कर सकते थाउजेंड माइनस थ्री का क्यूब थाउजेंड में से थ्री माइनस करोगे नाइन हंड्रेड नाइन्टी सेवन आएगा एंड अब आपकी आइडेंटिटी ये लगेगी ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी सो यहाँ पर ए आपका रहेगा थाउजेंड और बी की जगह लिखना होगा थ्री सो ए का क्यूब फर्स्ट टर्म का क्यूब फिर सेकेंड टर्म का क्यूब माइनस थ्री इंटू ए ए आपका थाउजेंड है और बी आपका थ्री है थाउजेंड माइनस थ्री ये फॉर्मूला आपने लगा दिया अब आप क्या करोगे इसके क्यूब को सॉल्व करोगे सो थ्री जीरोस पर क्यूब है यानी कि थ्री जीरोस तीन बार रिपीट होंगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन जीरोस और थ्री का क्यूब का मतलब हुआ थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री तो ये आ जाएगा माइनस ट्वेंटी सेवन यहाँ पर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो थ्री इंटू थ्री नाइन तो नाइन थाउजेंड और ये थाउजेंड माइनस थ्री अब आप इसको सॉल्व करने के बजाय इनको इससे मल्टीप्लाई करिए बिकॉज हमें पर्पस क्या है हमारा कि हमारा ये सॉल्विंग पार्ट इजी हो तो वो जब इजी होता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा जीरोज़ उसमें लेके आते हैं तो आप थाउजेंड माइनस थ्री को कर अगर आप सॉल्व कर देंगे नाइन नाइन्टी सेवन तो वो पार्ट उतना ही टफ हो जाएगा ठीक है तो इसीलिए हम इस पार्ट को सॉल्व नहीं करेंगे हम इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री जीरोज ये थ्री जीरोजिए ये यहाँ सिक्स जीरोज़ आएगी ठीक है और फिर नाइन थाउजेंड को थ्री से करोगे यहाँ पे ट्वेंटी सेवन थाउजेंड आ जाएगा अब यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है सब पॉजिटिव नंबर्स को ये पॉजिटिव नंबर है ये पॉजिटिव नंबर है इन दोनों को ऐड कर दो ये आ गया और ये दोनों नेगेटिव नंबर्स आपस में ऐड हो जाएंगे ये आ जाएगा अब एक प्लस वाला नंबर एक माइनस वाला नंबर इन दोनों को सब करो ये आपका आंसर रहेगा ठीक है तो इसमें कुछ भी टफ नहीं है सिर्फ ये नंबर ऑफ़ द जीरोस बहुत ज़्यादा हैं तो वो थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं कि आपको ध्यान रखना है यहाँ पे तीन बार जीरोस हैं तीन बार लिखना होगा तो नाइन जीरोस हो जाएंगी ठीक है जीरोस ठीक लिखना है और प्लस माइनस ठीक करना है तो क्वेश्चन ठीक से हो जाता है अब यहाँ पे ये यह सेकंड क्वेश्चन है हंड्रेड एंड सिक्स इंटू नाइन्टी फोर हंड्रेड एंड सिक्स इंटू नाइन्टी फोर को हम फर्स्ट नंबर को लिख सकते हैं हंड्रेड प्लस सिक्स और दूसरे नंबर को लिख सकते हैं हंड्रेड माइनस सिक्स तो अब आपका क्या बन गया ये ए प्लस बी और ए माइनस बी ए प्लस बी और ए माइनस बी का सॉल्व करके क्या आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सो ये नंबर आपका बन जाएगा हंड्रेड का स्क्वायर माइनस सिक्स का स्क्वायर ठीक है ए प्लस बी और ए माइनस बी के ब्रैकेट के मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये हंड्रेड स्क्वायर माइनस सिक्स स्क्यर हंड्रेड स्क्वायर कितना होता है आपका वन लिख के ये दो जीरोज़ कितनी बार आएंगी चार बार आ जाएंगी दो जीरोज़ दो बार आ गई ठीक है तो टोटल चार जीरोज़ होगी और सिक्स का स्क्वायर हुआ थर्टी सिक्स अब इन दोनों को माइनस करोगे तो नाइन नाइन सिक्स फोर ये आपका आंसर आ जाएगा नाइन नाइन सिक्स फोर ओके इजी था ये नेक्स्ट देखिए थ्री फिफ्टी वन माइनस थ्री फिफ्टी अब ये यहाँ पर हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिखा रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ब्रैकेट ए प्लस बी इसके इक्वल होता है तो इस फॉर्मूले को आप यूज़ कीजिए ए की जगह थ्री फिफ्टी वन लिखना है और बी की जगह थ्री फिफ्टी लिखना है सो so, आपका पहला नंबर बन जाएगा थ्री फिफ्टी वन माइनस थ्री फिफ्टी और सेकेंड ब्रैकेट हो जाएगी थ्री फिफ्टी वन प्लस थ्री फिफ्टी तो फर्स्ट ब्रैकेट को जब आप सॉल्व करोगे ये आएगा वन और सेकेंड ब्रैकेट में आपको इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होगा और वो कितना हो जाएगा हमारा ऐड करना होगा सॉरी मल्टीप्लाई नहीं ऐड बिकॉज बीच में प्लस है इन दोनों को वन फाइव फाइव टेन सेवन हंड्रेड वन और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेवन हंड्रेड वन इज़ अर आंसर कितना ईजी हो गया है ना ये इक्वालिटीज़ यूज़ करने से कितना ईजी हो गया जो फॉर्मूलीज हैं नहीं तो आप इसको क्या करते हैं इसका स्क्वायर निकालते हैं इसका स्क्वायर निकालते हैं और फिर माइनस करते हैं सो ऑल दीज प्रॉपर्टीज़ विच आइडेंटिटीज विच वी यूज मेक द क्वेश्चन मच सिंपलर सॉल्विंग पार्ट काफ़ी ईजी हो जाता है इनसे क्वेश्चन नंबर फाइव हो चुका है अब क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं फैक्ट्राइज यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी अब ये नंबर आपका स्प्लिटिंग द मिडल टर्म टाइप है या आप ये देखो कि अच्छा यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई है आप इसको रीअरेंज कीजिए पहले इस नंबर को ऐसे लिखिए नाइन एक्स स्क्वायर ट्वेल्व एक्स वाई और प्लस फोर वाई स्क्वायर ये जो फर्स्ट नंबर है इसको हम लिख सकते हैं थ्री एक्स का स्क्वायर पूरा टोटल है ना और इसको हम लिख सकते हैं टू वाई का स्क्वायर देखो थ्री का स्क्वायर नाइन एक्स स्क्वायर और ये टू का स्क्वायर फोर वाई स्क्वायर ठीक है अब बीच वाले टर्म को अगर हम इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर माने तो हमारा जो एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर वो किसके एक होता है बोलो बच्चों ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर अब हम देखते हैं हमारी फर्स्ट टर्म स्क्वायर के फॉर्म में आ रही है ए स्क्वायर जैसे और ये बी स्क्र जैसे आ रही है अब देखते टू ए बी की तरह अरेंज हो जाएगा तो टू ए बी का मतलब हुआ प्लस टू ए की जगह हम लिखेंगे थ्री एक्स और बी की जगह लिखेंगे टू वाई अस सी ये टू तो फॉर्मूले से है और ए और बी क्या है ये ए फर्स्ट टर्म है और ये बी सेकेंड टर्म है अब इसको मल्टीप्लाई करो टू थ्री जिक्स सिक्स टू जो ट्वेल्व ट्वेल्व एक्स वाई यानी इस तीनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास ट्वेल्व एक्स वाई यानि ये टर्म आ रही है इसका मतलब हमारा फॉर्मूला बिल्कुल ठीक फिट हो रहा है सो so हम इसको यूजिंग द आइडेंटिटी हम इसको लिख सकते थ्री एक्स प्लस टू वाई स्क्वेर यूजिंग दिस फॉमूला ईजी हो गया ना आप इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म टाइप भी कर सकते थे लेकिन ये ईजीली कैच हो रहा है आपका कि अगर पहली टर्म भी आपकी स्क्वायर के फॉर्म में हो और सेकेंड टर्म भी स्क्वायर के फॉर्म में हो तो यही आपको ट्राई करना चाहिए ठीक है वो क्वेश्चंस आपके वहां इजी रहते हैं जहाँ पीछे एंड में स्क्वायर टाइप नहीं होता ना जैसे ये था इस तरह के क्वेश्चंस में आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना चाहिए कि आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में जहां हो और जहां एंड में ऐसे आ रहा हो एक्स स्क्वायर तो सीधा तुम यही ट्राई क्या करो ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर गॉट इट अब सेकेंड पार्ट देखिए सेकेंड पार्ट को हम देखते हैं कि ये हमारा फर्स्ट टर्म तो जो हो रहा है वो टू ए का स्क्वायर हो रहा है मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ टू ए का स्क्वायर ठीक है और लास्ट वाले नंबर को मैं लिख सकती हूँ वन का स्क्वायर ऐसे लिख सकती हूँ ठीक है ये टू का टू ए का स्क्वायर फोर ए स्क्वायर हो गया वन हो गया अब मैं यहाँ बीच वाले नंबर को लिखती हूँ माइनस टू इंटू टू ए इंटू वन ठीक है अब ये मेरा फॉर्मूला जो होता है अगर मैं सोचूँ ये ए माइनस बी होल क्यूब हो रहा है तो वो हमारा क्या होता है होल स्क्वायर हो रहा है तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इसके जैसा होता है और ये बी वाला टर्म तुम्हारा माइनस का स्क्वायर होता है कोई सा तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ माइनस वन का स्क्वायर भी प्लस ही रहेगा ठीक है और यहाँ पे लगा दो वन आप देखो ये बीच वाली टर्म मल्टीप्लाई करके क्या आ रही है बच्चों इसको सॉल्व करके आएगा फोर ए स्क्वायर इसको सॉल्व करोगे तो माइनस फोर ए आएगा देखो टू इंटू टू फोर इंटू ए सो माइनस फोर ए प्लस वन इसको सॉल्व करके प्लस वन आ रहा है ठीक है तो ये भी आपका इस फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है फर्स्ट नंबर का स्क्वायर लास्ट नंबर का स्क्वायर और बीच में माइनस साइन है और टू ए बी के फॉर्म में है. तो हम इसको लिख सकते टू ए माइनस वन का स्क्वायर ठीक है हुआ क्लियर यहां पे तो माइनस वन की स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो ये बी टर्म को तुम नेगेटिव दिखाने के लिए ओके क्लियर हो गया नाउ थर्ड पार्ट हम देखते हैं नाइन माइनस फोर एक्स स्क्वायर अब जिसमें सिर्फ दो ही टर्म्स होते हैं आप देख रहे हो यहाँ दो टर्म्स हैं वो मोस्टली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होता है ए माइनस बी ए प्लस बी तो आप देख रहे हो दो ही टर्म्स हैं यहाँ नाइन को हम लिख सकते हैं थ्री का स्क्वायर और फोर एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं माइनस टू एक्स का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं ना लग रहा है ना इजी है ना फटाफट कैच हो रहा है थ्री का स्क्वायर ये टू एक्स का स्क्वायर अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्र फॉमुला पुट कर दो ए माइनस बी और फिर ए प्लस बी तो एक बार ब्रैकेट में आ जाएगा थ्री माइनस टू एक्स और अगली बार आ जाएगा थ्री प्लस टू एक्स हो गया ना ईजी थ्री तो माइनस टू एक्स और थ्री प्लस टू एक्स बट दिस इज योर आंसर सब बहुत ईजी है ना ओके नेक्स्ट देखो ये भी आपके टू नंबर्स हैं ओनली बाई है देखो ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पट रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है अब आपको याद हो गया है ना दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी यही फॉर्मूला लगाना है तो ये एक्स का स्क्वायर फर्स्ट टर्म दूसरा टर्म है वाई अपॉन ट्वेंटी फाइव तो हम इसको वाई अपॉन फाइव ऐसे लिख देंगे कंप्लीट स्क्वायर दे देंगे और फर्स्ट नंबर का स्क्वायर फिर ए माइनस बी सेकेंड नंबर का हो जाएगा ए प्लस बी इस तरीके से आ गया वाई अपॉन फाइव एक्स माइनस वाई ओपन फाइव एक्स प्लस वाई ओपन फाइव फैक्ट्राइज हो गया सो so ईजी ये सारे क्वेश्चन हमने क्लास एट्थ में करे हुए हैं चैप्टर नंबर फोर्टीन और चैप्टर नंबर नाइन है एलजेब्रा का जहाँ पे इसकी काफ़ी प्रैक्टिस आपकी हुई है है ना याद आ रहा है कि हमने ये सब करे थे एट्थ में मैम ने बताया भी था आपको अब ये नंबर जो है अब इसमें देखिए बच्चों इसमें हम क्या करते हैं ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके भी कर सकते हैं और वैसे स्क्वायर करके भी कर सकते हैं तो अभी मैं क्या करती हूँ इसको क्योंकि नाइन मुझे स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है तो मैं पहले क्या करूँगी पहले नंबर को ऐसे ही लिखती हूँ और ये नाइन को मैं लिखती हूँ थ्री स्क्वायर ऐसे इस तरीके से कर लेते हैं ठीक है अब तो बीच में क्या आना चाहिए अगर मैं ए प्लस यहाँ बीच में पॉजिटिव साइन है तो ये फॉर्मूला तुम्हारा किसका बनेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर का बनेगा अगर बीच में माइनस का साइन होता है जैसे यहाँ पे था तो a माइनस बी स्क्वायर बना था यहाँ सारा प्लस है तो इस तरह बनेगा यानी फॉर्मूला तुम्हारा इस तरीके से दिखना चाहिए एक्सपेंडेड फॉर्म में ठीक है तो आप ये देख रहे हो ये तो हो रहा है स्क्वायर और ये भी हो रहा है स्क्वायर बीच में टू ए बी आएगा तो टू ए बी टू तो फॉर्मूले से हुआ ए की जगह क्या होगा एक्स और बी की जगह क्या होगा थ्री ओके अब इसको देखें मल्टीप्लाई करके टू इंटू एक्स इंटू थ्री तो तुम्हारा क्या हुआ टू इंटू थ्री सिक्स एक्स बन रहा है ये मिडिल टर्म बन रही है ठीक है बन रही है ना सो हम इसको लिख सकते एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर ओके okay? समझ में आ गया और इसको तुम स्प्रिटिंग द मिडल टर्म्स से भी कर सकते हो कि मल्टीप्लाई करके तुम्हारा नाइन एक्स स्क्वायर आना चाहिए यानी दो नंबर्स ऐसे चूज करने जिसको मल्टीप्लाई करके नाइन आए और ऐड करके सिक्स आए तो थ्री प्लस थ्री है तो उससे भी तुम इस पे पहुंच जाओगे इस आंसर पे करें जल्दी से देखें थोड़ा सा जल्दी से बताती हूँ मैं इसको अगर तुम्हारे माइंड में स्ट्राइक करता है कि हम इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करते हैं तो एक्सक्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन तो तुम इसको लिखोगे एक्स स्क्र प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन अब इन दोनों में से कॉमन निकाल दोगे एक्स प्लस थ्री फिर इन दोनों में से कॉमन निकालोगे तो थ्री एक्स प्लस थ्री अब देखो ये आ गया ना एक्स प्लस थ्री सेम नंबर ओके और एक ये तुम्हारी ये ब्रैकेट्स के बाहर ये लिखी जाती है एक्स प्लस थ्री अब ये दोनों सेम नंबर आ रहे हैं तो ये क्या बनेगा एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर वही फॉर्मूला बन गया है ना सो आप इसको जैसे चाहे अप्रोच कर सकते जो आपके माइंड में हो मैथमेटिक्स में फैक्ट बस क्लियर होने चाहिए ठीक है प्रोसीजर आप कैसे भी ले सकते हो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस टू तो एक्स माइनस फिफ्टीन पार्ट हमारा सो इसको हम कैसे करेंगे अब इसको मिडिल ये देख लो आप ये स्क्वायर के फॉर्म में नज़र नहीं आ रहा फिफ्टीन हमारा तो मैं इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही इसको ट्राई करती हूँ तो मुझे दो नंबर्स ऐसे चूज़ करने जिसको मल्टीप्लाई करके तो फिफ्टीन आए और ऐड करके टू आए तो वो थ्री और फाइव होते नंबर्स थ्री और फाइव को मल्टीप्लाई करते हो तो फिफ्टीन होता है और इनको ऐड करेंगे थ्री और फ़ाइव को तो टू बनेगा सो तो मैं क्या करती हूँ नंबर्स को मैं लिखूँगी एक्स स्क्र प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फिफ्टीन ठीक है अब आप देख रहे हो इन दोनों नंबर्स को जब मैं ऐड करती हूँ तो ये बनता है प्लस टू तो एक्स ये नंबर ठीक है और मल्टीप्लाई करके बनेगा फिफ्टीन अच्छा मैं एक्स को देखो आज अच्छा, कैपिटल में लिखने की कोशिश कर रही हूँ कि फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स ठीक है अब हमें क्या करना है इन दोनों में से कॉमन निकालना है तो क्या निकलेगा एक्स ब्रैकेट में रहेगा एक्स प्लस फाइव इन दोनों में से कॉमन निकालो बच्चों तो माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव ठीक है अभी हमारी ब्रैकेट सेम आ रही है एक्स प्लस फाइव तो करेक्ट है एक बार ये ब्रैकेट लिख देंगे और एक बार एक्स माइनस थ्री ठीक है तो एक बार एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव हम इसको एक एक्चुअली दोबारा कॉमन लेते हैं तब हम ये जो कॉमन नंबर होता है एक्स प्लस फाइव ये आ जाता है और एक जो ब्रैकेट्स के बाहर तुम्हारा तो एक्स और ये नंबर माइनस थ्री आता है हो गया सॉल्व तो सिक्स पार्ट्स हो गए नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग एरिया दिस एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया ये है तो एरिया हमारा किसके इक्वल होता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ एंड टू ब्रेथ ये आपको दे रखा है ये तो आपको लेंथ और ब्रेथ निकालनी है तो एक्चुअली आपको इसको फैक्टराइज करना है और उससे फिर जो दो एक्सप्रेशन आएंगे वो आपके लेंथ और ब्रेथ होंगे सो तो हम इसको क्या करते हैं हमें दो नंबर्स ऐसे चूज करने कि मल्टीप्लाई करके तो फोर्टी आए और एड करके फोर्टीन आए तो वो क्या हो सकता है तुम्हारा टेन और फोर टेन और फोर को मल्टीप्लाई करेंगे टेन और फोर को चूज़ करें उनको मल्टीप्लाई करें तो फोर्टी आता है और इनको ऐड करते हैं तो फोर्टीन आता है ठीक है सो so हम ये नंबर चूज़ करते हैं एक्स स्क्र माइनस टेन एक्स माइनस फोर एक्स प्लस फोर्टी इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो एक्स एक्स माइनस टेन इन दोनों में से कॉमन निकालोगे तो फोर एक्स माइनस टेन सो आप देख रहे हो ये ठीक आया एक्स माइनस टेन दोनों जगह तो एक्स माइनस टेन और एक्स माइनस फोर सो एक आपका एक्सप्रेशन आया एक्स माइनस फोर एक आया एक्स माइनस टेन तो आप ये बोल सकते हो कि आइदर लेंथ इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर या तो आप इसको लेंथ ले सकते हो लेंथ को एक्स माइनस फोर ले सकते हो और ब्रेथ को एक्स माइनस टेन ले सकते हो या फिर आप लेंथ को ये भी ले सकते हो एक्स माइनस टेन इसको आप लेंथ ले सकते हो उसको आप ब्रेथ ले सकते हो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं आपके है ना Either we take it is equal to, or we take length is equal to x minus टेन and breadth is equal to x minus टेन and breadth is equal to x minus फोर ठीक है इसके साथ ये वीडियो हम फिनिश करते हैं बच्चों सारे क्वेश्चंस हो गए हैं तुम तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि तुम्हें कैसा लगा ओके शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो लाइक करो इसे पुट कमेंट्स ऑल्सो कि आप इन क्वेश्चंस को कर पाए कि नहीं कर पाए आपको अधिकतर क्वेश्चंस आते थे कि नहीं आते ये मुझे ज़रूर बताइए ठीक है और अगर नहीं है तो ये पुरानी वाली वर्कशीट से इनको रिवाइज़ करो और इसको अच्छे से चैप्टर्स को तैयार कर लो ठीक है बच्चों फिर मिलते हैं ओके टेक टेक टे गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ़ बाय बाय